नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर दिन भर आप किसी वजह से खबरें नहीं देख पाए हैं तो आपके लिए पूरे राजस्थान को समेटे हुए ये खास बुलेटिन हम लेकर आए हैं। इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर संभाग से हमारे रिपोर्टर्स, जो आपको बताएंगे आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें क्या रही, क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे और आपके संभाग में। यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। तो सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। राजधानी जयपुर के 7 थाना इलाकों में कल लगाया कर्फ्यू आज पूर्णतः सफल रहा। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के अंदर इक्का दुक्का वाहनों को छोड़कर वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंध रही। केवल दवा की दुकानें खोली गई, वहीं साथ साथ प्रशासन ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के लोगों को पूर्णतः राहत दी, घर घर जाकर राशन दिया और उनके मेडिकल का ध्यान रखा। लेकिन चिंता का विषय जयपुर शहर में आने वाले और जाने वाले मजदूरों की हुई। जयपुर शहर के अनेक इलाकों में सुबह से ही मजदूर पैदल ही निकल पड़े, लेकिन शाम होते होते परिवहन विभाग ने बड़ा आदेश दिया और उन सभी के लिए बसों का इंतजाम करवाया। कहा जा रहा है कि इन बसों के द्वारा इन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा। और चलिए अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों को आज भीलवाड़ा में लगातार दूसरे दिन सफलता मिली। भीलवाड़ा में 2 पॉजिटिव रोगियों का आज फिर जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पाया जाना बड़ी सुखद समाचार लेकर आया। शनिवार को मिली इस शुभ सूचना के बाद में एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि कोरोना वायरस के खिलाफ अगर चिकित्सक पूरी जिद के साथ लड़े तो ये जंग जीती जा सकती है। अब तक भीलवाड़ा में 5 पॉजिटिव रोगियों को चिकित्सकों ने मेहनत कर नेगेटिव में बदल दिया है। उधर कोरोना वायरस के चपेट में आने वाले पॉजिटिव रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ। भीलवाड़ा में 3 नए रोगी बढ़े, इसके साथ ही 24 रोगी अब तक भीलवाड़ा में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 बुजुर्ग रोगियों की मौत हो चुकी है। उधर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए आज जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की अगुवाई में कोरोना फाइटर्स व कोरोना कैप्टन्स जैसी नई मुहिम की शुरुआत की गई। गाँव, पंचायत व ब्लॉक स्तर पर कोरोना फाइटर्स जंग लड़ेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली इस जंग में उस क्षेत्र के SDM कोरोना कैप्टन कहलाएंगे। स्क्रीनिंग के साथ साथ में आने वाले रोगियों के साथ ही उनकी हरकतों की पूरी जानकारी, उनके पूरे मूवमेंट की जानकारी ये कोरोना के फाइटर्स प्रशासन व चिकित्सा टीम को उपलब्ध कराएंगे। कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट के लिए भी अब चिकित्सकों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट जयपुर से आती थी, मगर अब कोरोना वायरस की जांच भीलवाड़ा में होगी। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई। करीब 2,64,00,000 रुपए की लागत से भीलवाड़ा में कोरोना वायरस की टेस्ट लैब बनेगी। वहीं कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए अब भामाशाह के साथ साथ में सांसद सुभाष बेड़िया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। करीब 1 करोड़ रुपए की सांसद निधि की राशि उन्होंने कोरोना वायरस की लड़ाई में दी है। तो जयपुर और अजमेर संभाग के बाद बारी बीकानेर संभाग की। यहाँ के दिन भर की अपडेट सबसे बड़ी जो निकल कर आएगी उस पर हम बात करते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण राघव से। कोरोना की गंभीर चुनौती के मद्देनजर राजस्थान के सरकार भी उतने ही गंभीर 24/7 मोड में कर रहे हैं काम। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा सहित आला अधिकारियों के साथ राज्य भर के जिला कलेक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स के साथ VC कर दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने VC की शुरुआत में ही कहा कि आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, राजस्थान कोरोना की इस चुनौती में बेहतर करें, यही हमारी कोशिश है। खास तौर पर उन्होंने चिकित्सकों को धन्यवाद दिया और हौसला अफजाई की कि वो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच अलग अलग जिलों के कलेक्टर से भी फीडबैक लिया, उनकी समस्याएँ जानी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस भीलवाड़ा पर था। भीलवाड़ा कलेक्टर ने कहा कि हम पूरी गंभीरता बरत रहे हैं, आज जो भी पेशेंट्स आए हैं उनको लेकर जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले जो भी कुछ हुआ भीलवाड़ा में, लेकिन अब बेहतर काम हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर की तारीफ की और ये भी कहा कि जयपुर के बाद भीलवाड़ा ने सबसे ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं, ये अच्छी बात है। इस बीच अन्य जिलों के कलेक्टर्स ने भी अपनी बात रखी। VC के दौरान ये बात भी निकल कर आई कि बाहर से आ रहे हैं उन पर खास फोकस रखने की जरूरत है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग की टीम बेहतर काम कर रही है, जैसा मुख्यमंत्री का विजन है उस पर काम हो रहा है, लेकिन सभी जिला कलेक्टर्स इस पर ध्यान रखें कि जो लोग
अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। दरअसल अब ये दिक्कत भी हो रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर गरीब तबके के मजदूर लोग, वो पैदल ही आ रहे हैं, ऐसे में उनकी स्क्रीनिंग भी बेहद ज़रूरी है। इस दौरान विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने भी अपनी राय रखी और बताया कि कैसे वो कोरोना की इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर एक संदेश दिया है कि इस विकट घड़ी में, इस चुनौती की घड़ी में बेहतर करना है और ये ध्यान रखना है कि जरूरतमंद कोई भी भूखा ना रहे। खास बात ये रही कि वीसी में कई जिलों के कलेक्टर्स की तारीफ की, बीकानेर कलेक्टर्स की भी तारीफ की और यहाँ तक कहा कि बीकानेर कलेक्टर्स ने जो मॉडल अपनाया है वो सभी जिलों में लागू हो, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि जरूरतमंदों की सही पहचान हो जाए। इस तरह से कहा जा सकता है कि आज की वीसी में फोकस यही था कि कोरोना जो अगले स्टेज में प्रवेश कर जाएगा उसको लेकर कलेक्टर्स के साथ साथ जो मेडिकल विभाग के ऑफिसर्स हैं उनकी तैयारी कितनी माकूल है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से वीसी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जोधपुर की तो यहां पर 7 पॉजिटिव मरीज है, जिनमें 6 जोधपुर के हैं और 1 पालिका, लगातार उनकी सार संभाल की जा रही है। वहीं दूसरे लॉकडाउन के तहत लोगों में समझ आने लगी है, जागरूकता दिखाई देने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग दूध और सब्जी के नाम पर घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं अगर सेवा की बात करें तो जिस तरीके से भारत सेवा संस्थान आगे आया उसको देखते हुए रोटरी क्लब राउंड टाउन में जिस तरीके से भोजन के पैकेट वितरित करके घर घर पहुँचाना शुरू किया नगर निगम की टीम के माध्यम से, वह अपने आप इसलिए भी सराहनीय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब छात्र जीवन में थे तब उस वक्त जब आपदा आई थी तब खुद अपने हाथ से पैकेट तैयार करते थे। उन्हीं के मित्र जवाहर सुराना के पुत्र ललित सुराना, पंकज सुराना और जितेंद्र सुराना अपनी पूरी टीम के साथ जिस तरीके से आगे आए ये कई लोगों को उदाहरण बनता नजर आता। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव घन सिंह उचियाड़ा ने 11 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने के साथ ही अपना जयपुर का जो होटल है वो आइसोलेशन सेंटर के लिए दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से घन सिंह उचियाड़ा ने 1000 पैकेट रोजाना भोजन के देने के लिए जो कमिटमेंट किया है और जिला कलेक्टर से बातचीत भी की, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज के तमाम जो अधिकारी हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और अब उम्मीद करते हैं कि लोग अगर अवेयर होंगे, घरों पर रहेंगे तो हो सकता है कि इस कोरोना वायरस से छुटकारा मिल जाए। और अब रुक करते कोटा संभाग का और जानते यहाँ की बड़ी खबर अपने सहयोगी गुल मोहम्मद से। लॉकडाउन के बीच शिक्षा नगरी कोटा से लगातार मिल रही रात भरी खबरें, कोटा में अभी तक नहीं आया एक भी पॉजिटिव केस सामने, तो वहीं भामाशाह और दानदाता लगातार बढ़ा रहे मदद के लिए हाथ। कोटा जिले में रोजाना की जा रही संदिग्ध लोगों की जांच रिपोर्ट राहत भरी खबरें दे रही हैं। यहां अभी तक एक भी केस पॉजिटिव सामने नहीं आया है। आज भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब जांच रिपोर्ट आई है जो सभी नेगेटिव पाई गई हैं। उधर कोरोना वायरस के बचाव के लिए लॉकडाउन के माहौल में कोचिंग सिटी कोटा में असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा तबका है जिसके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ऐसे में संस्थाएं और आमजन तो लगातार मदद के लिए हाथ बढ़ा ही रही हैं। वहीं कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आगे आकर अपील की है कि कोटा बूंदी क्षेत्र में कोरोना से लड़ी जा रही इस जंग के बीच किसी को भूखा सोने नहीं देंगे और खाने पीने का इंतजाम के लिए कोटा में लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। बिरला की अपील पर कोटा में उनके कार्यकर्ताओं ने हजारों की तादाद में भोजन पैकेट बनाकर बांटने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन को रोजाना सफल बनाने के लिए पुलिस महकमे से लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और इस दौरान आम जन को भी मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। चलिए उदयपुर संभाग का भी हाल जान लेते हैं अपने सहयोगी पुनित से। कोरोना से निपटने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कल पॉजिटिव आए दोनों सैंपल के मरीजों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र परमार ने बताया कि अब तक जिले में कुल 641 व्यक्तियों जो विदेशों एवं अन्य राज्यों से आए हैं को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिसमें से 374 व्यक्तियों के 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं, वर्तमान में स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि उन व्यक्तियों को आने वाले 14 दिन तक टीम द्वारा इनकी निगरानी की जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि वागदारी क्वारंटाइन केंद्र पर 63 लोग निगरानी में रखे गए हैं, इसमें से 15 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है तथा वह स्वस्थ हैं और 48 लोगों को अभी निगरानी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 731 टीम द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 219,029 घरों का सर्वे किया गया है तथा 8,27,000
57,384 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई है। सर्वे के अंतर्गत शनिवार को 15,106 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें से 67,922 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। अब तक जिले में घर घर सर्वे के दौरान सामान्य सर्दी खांसी व जुकाम के 11,274 रोगी मिले हैं। वही शनिवार घर सर्वे के दौरान 576 सर्दी खांसी जुकाम के रोगी रहे, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी गई। कल कोरोना के 2 पॉजिटिव रोगियों के गांव में चिकित्सा महकमा पूरी तरह से तैनात रहा और गांव में एक एक घर में सैंपलिंग करवाई जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद तमाम गाँव वासियों को सचेत किया गया है कि कोई बाहर से आए तो उसकी जानकारी तत्काल चिकित्सा महकमा को दे। और चलिए अब रुख करते हैं अपने आखिरी संभाग का, भरतपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं और यहाँ की बड़ी खबर जानते हैं विनोद तिवारी से। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर जहां प्रदेश भर में लॉकडाउन घोषित है, वहीं इसकी सख्ती से पालना करने और नहीं करने पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन ने सख्त रूप अपना लिया है। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक मधुर कछावा ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर भर में कई बार पैदल गश्त की, साथ ही कुछ एक जगह जहां पर बेवजह लोग घूमते दिखे वहां पुलिस ने सख्त रूप भी अपनाया और लोगों को बाजार में नहीं घूमने के निर्देश दिए। वहीं आज जिले भर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया है, जो कि लोगों को लॉकडाउन की सख्ती से पालना करा रहा है। धौलपुर जिले से गुजरने वाले NH3 पर कल बड़ी संख्या में राहगीरों गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आज NH3 पर जिले की दोनों सीमा को सील कर दिया है और अब पैदल चलने वालों को भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं वाहनों को भी अब सीमा में प्रवेश पर रोक लग गई है। कुछ वाहनों के द्वारा राहगीरों को गलत तरीके से परिवहन करवाया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस सख्त हो गई है। तो आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।